गोवा में भी बात हो रही है हिमांशु कि गोवा में भी शपथ ग्रहण जो भी नए मुख्यमंत्री होंगे वो होली के बाद ही करेंगे। किस किस के नाम आपको लग रहा है संभावित जिनके नाम पर चर्चा चल रही हो और कब तक तस्वीर साफ होती गोवा में हम देखेंगे? देखिए देखिए आज प्रमोद सावंत आ रहे हैं, वहां के प्रदेश अध्यक्ष यहां पर मुलाकात करेंगे। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, विश्वजीत राणे ने वहां पर अपने दावेदारी पेश करने के तरीके ढूंढ लिए हैं। वो अखबार में ऐड देते हैं, वो राज्यपाल से मिलने जाते हैं, तो एक तरीके से विश्वजीत राणे इस बार चुप नहीं बैठने वाले। कोविड काल के अंदर हम लोगों ने देखा था कि जिस तरीके से एक हॉस्पिटल में 14 लोगों की मृत्यु हो गई थी ऑक्सीजन सिलेंडर कमी होने की वजह से, इसके लिए उन्होंने जो है वहां के मुख्यमंत्री को दोषी ठहराया था और मुख्यमंत्री ने जो है स्वास्थ्य मंत्री पर आरोप लगाए थे। तो ये आरोप प्रत्यारोप उस वक्त तो ठीक है, पार्टी चुनाव आज जीत गई है और पार्टी की जीत में बहुत बड़ा योगदान जो है वो ममता बनर्जी की पार्टी का भी है और साथ ही साथ जो है आम आदमी पार्टी का भी है। अगर वो दोनों पार्टियां चुनाव नहीं लड़ी होती तो आज सिचुएशन दूसरी होती और प्रमोद सावंत खुद 500-600 कुछ वोटों से चुनाव जीते हैं। तो अब पार्टी ये जरूर निर्णय करेगी कि प्रमोद सावंत के नेतृत्व में जाया जाए या फिर कोई नए चेहरे को जो है वहां प्रोजेक्ट किया जाए। और चिंतन चल रहा है और आज क्योंकि गोवा में भी कोई इस तरीके की पार्टी के लिए कोई दुविधा नहीं है कि वहां अगर वो समय देरी से सरकार बनाते हैं तो उसमें कोई किसी तरीके का हर्डल आ सकता है, किसी की रुकावट आ सकती है, तो वो सारी चीजें पार्टी के सामने नहीं है। और इसीलिए पार्टी ने तय किया है कि जिन 4 राज्यों के अंदर बीजेपी की जीत हुई है वहां होली बाद जो है सरकारें बनाई जाएंगी। और इसीलिए एक एक जगह पर पार्टी इतने डिस्कशन कर रही है। आप देखिए योगी आदित्यनाथ जो है इतवार को आए थे, वो रहे यहां और उसके बाद जो है सोमवार तक उन्होंने यहां पर मुलाकातों का दौर किया। अब वो आज फिर आ रहे हैं, एक राउंड और बैठेंगे। हो सकता है कि अगर आज भी सारी चीजें सेटल डाउन नहीं होंगी तो एक राउंड फिर उनको बुलाया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और ये कहा जाता है कि दिल्ली की राह जो है वो उत्तर प्रदेश से होकर जाती है, राजनीति में यही कहा जाता है। तो हर तरीके के सोशल इंजीनियरिंग को और जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए चारों प्रदेश के अंदर सरकारों का गठन जो है बीजेपी करेगी और इसीलिए इतनी चर्चाएं कर रही है, विस्तृत रूप से हो रही है। कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो है बीजेपी के आलाकमान के नेता बैठे थे और लगभग 5 घंटे वो मुलाकात चली थी। तो इन 5 घंटों के अंदर और उससे परसों भी जो है लगभग 5 घंटे मुलाकात चली थी, तो लगातार चर्चाएं की जा रही हैं, प्रदेशों का फीडबैक लिया जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर केंद्र में तो बैठ के चर्चा कर रहा है। जो उन राज्यों में टारगेट जो है सरकार बनाना नहीं है, टारगेट बनाना है, टारगेट है 2024 का।